हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। जैसा कि एसएससी एग्जाम लेने वाली है सीएचएसएल का, एसबीआई का एक एग्जाम है जो क्लर्क का है, और अभी हाल फिलहाल में जो निकले हैं फॉर्म आरआरबी के असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिक्वायरमेंट के, और ग्रुप D पोस्ट के लिए जो रेलवे ने निकाले हैं। उसके साथ ही कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर में एसआरबी का भी एक फॉर्म आया था जिसमें एलडीसी का एग्ज़ाम अभी रह गया है जो होना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इन फॉर्म को फिल किए हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मे बी पॉसिबल है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, या पुराने व्यूअर्स हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज इजीली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज, वो कौन सा विटामिन है जो कुकिंग के टाइम या फिर स्टोरेज के टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर आप उसको धोते हैं जैसे किसी सब्जी को या किसी भी चीज़ को जिसके अंदर वो विटामिन है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। और विटामिन सी को जो रासायनिक नाम है स्कर्बी भी बोलते हैं इसको, सॉरी एस्कर्बिक एसिड एसिड एस कॉर्विक एसिड। ठीक, नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज जो है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? केमिकल चेंज है। और मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल एटम्स और आयोन्स। जब ये मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल, ठीक, और एटम और आई ऑन, जब ये तीनों बढ़ जाते हैं, ठीक, जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस है एटम का वो क्या रखता है? वो रखता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन सी। अब प्रोटॉन कैरीज, प्रोटॉन क्या कैरी करता है? प्रोटॉन कैरी करता है अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो धर्मिता भी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो किसने डिस्कवर की थी? वो की थी हेनरी बेकेरल ने, ठीक, और ये हुई थी 1896 में। अब बात करें रेडियो एक्टिविटी की कि ये होता क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, ठीक, एनर्जी को निकालता है। द टर्म सेल, जो सेल टर्म है, वाज इंट्रोड्यूस इन 1665 बाई किसके द्वारा? जो सेल है वो किसके द्वारा दिया गया नाम, ठीक, सेल एक कुछ टर्म है या नाम है कुछ भी बोल दो, तो वो किसने 1665 में दिया था ये आपको बताना, ये दिया था हुक ने। टिबिया इज अ बोन फाउंड इन द, एक हड्डी है टिबिया, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है लोअर पार्ट ऑफ लेग,
द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज फूड फॉर सिल्क वॉर्म। ठीक, लीव्स क्या होती हैं, पत्तियां। किसकी पत्तियां जो हैं वो सिल्क वॉर्म के फूड के काम आती हैं, तो वो है मलबेरी ट्री, और इसे हिंदी में कहते हैं शहतूत। शायद आपने सुना हो, घर पे भी हो बॉसों के, और खाए भी होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड एक्सरेस। तो ये ऑप्शन है डी, रोइन टेंजेन, और ये 1895 में डिस्कवर किया था, और ये जर्मन के प्रोफेसर थे, फिजिक्स के, जर्मनी प्रोफेसर थे। ठीक, जर्मन के थे और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 10 था, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कॉजेस, जो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है विटामिन डी की वेरी वेरी होता है वी1 से, और इसकर भी होता है विटामिन सी से। ठीक, और अगर मैं इनके केमिकल नेम की बात करूं तो सबसे पहले ए होगा, और ए को जो बोलते हैं वो बोलते हैं रेटिनल। ठीक, रेटिनल। ठीक, और सी को जो बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और डी को, विटामिन डी वो होता है, उसको बोलते हैं कैल्सिफोरल, कैल्सिफोरल। ठीक, और विटामिन के, सॉरी विटामिन ई, टोकोफेरल, फेरल। ठीक, और विटामिन के जो होता है उसको बोलते हैं फिलिक वोनान, बचे विटामिन बी के, तो B1 को तो बोलते हैं थायमीन। ठीक, और B2 को बोलते हैं रेबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं निकोटीनैनोनाइट। ठीक, और अगर मैं बात करूं B9 की, ठीक, ऐसे B5 भी है, B6 भी है, ठीक, B9 की बात करूं तो B9 को बोलते हैं बायोटीन। ठीक, और इसके बाद B12 भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिनके केमिकल नेम्स हैं। नेक्स्ट था कि वेसिलस कालमेटे ग्यूरिन BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। आपने सुना होगा क्षय रोग हिंदी में। ठीक, या फिर TB बोल देते हैं कि TB हो गई। ठीक, ओरंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, या उसमें पूछा जाता है कि वर्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ओरंथोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो सैटर्न यानी कि शनि के पास है, और ये 62 है, जिसमें से 9 का ऑफिशियली नेम भी है, और इसका एक जो चंद्रमा है, चांद जो है वो यहाँ पर, वो टाइटन है। ठीक, और जो कि इतना बड़ा है कि मरकरी प्लस प्लूटो मिल जाए, ठीक, जो उसका वहां पर चंद्रमा है। हु फाउंड डेट प्लांट्स हैव लाइफ, तो ये फाउंड किया था जेसी बोस ने,
और जेसी बोस ने ये 1901 में फाउंड किया था। जेसी बोस का जो फुल नेम है वो जगदीश चंद्र बोस है, ठीक। द न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये होगा यूरेनियम से। स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, पहले बताया था ये विटामिन सी, ठीक। इससे बेरी बेरी, इससे रिकेट्स, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स, ये इंग्लिश में भी आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये एबनॉर्मल फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, ऑप्शन बी। ओलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज, तो ओलॉजी जो होता है वो वर्ड्स के एग से मतलब अंडों से होता है, ठीक। मेनिनजाइटिस अफेक्ट द ब्रेन को, ये क्या करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड भी को भी अफेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है इसमें सूजन आ जाती है, क्या होता है सूजन आ जाती है, और इसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है, इस बीमारी को दिमागी बुखार भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि दिमागी बुखार आ गया उसे, ठीक। द फंक्शनिंग ऑफ अ लाउड स्पीकर डिपेंड अपॉन इट्स, जो फंक्शन होता है लाउड स्पीकर का वो किस पे डिपेंड होता है, वो होता है उसके साइज और शेप दोनों पे डिपेंड होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, होता है कैल्शियम सल्फेट की प्रेजेंस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट होता है तो उसकी वजह से जल जो है कठोर हो जाता है। वॉट इज द क्राइटेरियन फॉर सेलेक्टिंग अ फ्यूज वायर, क्या क्राइटेरिया होता है फ्यूज वायर को सेलेक्ट करने का, तो क्राइटेरिया जो होता है इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम से कम होना चाहिए। What is the approximate circumference of the earth at the equator? तो approximate की बात हो रही है, approximate होगा 40,000 किलोमीटर, but actual में हम अगर बात करें तो यही जो circumference होगी वो होगी 40,075 किलोमीटर, but हमसे पूछा गया है approximate में, तो approximate में 40,000 किलोमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो है वीनस, और वीनस को आप सनसेट के बाद और सनराइज के पहले 1 घंटा पहले आप देख सकते हैं, कभी कभी ये आसमान में दिखाई दे जाता है चमकता हुआ, ठीक। 1 घंटा या कुछ घंटे, ठीक, टाइम 1 घंटे से कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, कुछ घंटे बाद या पहले या आप देख सकते हैं। द मास ऑफ द मून इन कंपैरिजन टू द अर्थ इज, तो इसका आंसर होगा 180, ठीक। और अगर मैं बात करूं ब्यास की, तो ब्यास होता है डायमीटर ये, ठीक, 1/4, और ये क्या हो गया मास, मास के कंपैरिजन करूं तो 1/80 है, ठीक। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं या आयतन की बात करूं, वॉल्यूम या आयतन, तो ये होता है 1/50 पृथ्वी का, ठीक। और ग्रेविटी की बात करूं, गुरुत्वाकर्षण की, ठीक, तो ये होती है 1/6। और वहीं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं, के वेलोसिटी, तो वो होती है 1/5। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलता रहे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी करंट अफेयर्स पे।
ठीक, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वो जो हमारे एग्जाम है आने वाले CHSL या SRB या SBI के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप वेट करिए उस वीडियो का, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।